भाई बड़ी गर्मी पड़ रही है कराची में, बहुत ही गर्मी पड़ रही है, कुछ करने को नहीं मतलब दिल ही नहीं कर रहा बाहर जाने का, तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। दोपहर के वक्त तो थोड़ी सी ठंड हुई है, थोड़ी सी मतलब तपिश कम हुई है, तो मैंने सोचा चलो आलू वालू ले आऊँ घर में, आलू बिल्कुल खत्म है, हरी मिर्च वगैरह टाइप चीज़ें मैं ले आऊँ, इम्तियाज ही जाऊँगी करीब है, थोड़ा लेना हो ज़्यादा लेना हो आपको पता है मैं इम्तियाज ही जाती हूँ, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ, आपके साथ रही है, इंजू नहीं जा रही हैं, इंजू लेजी हुई है गर्मी से, गर्मी में इंजी तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, तो चलो रेडी होते हैं बस सेम है। मुझे ऐसे पर्स ही सूट करते हैं जो मैं डालूँ, मुझे हाथ में लेके चलना पड़े ना, अभी भी मैं जब इम्तियाज जाऊँगी तो ट्रॉली तो मैं लूँगी नहीं, इतना मुझे सामान नहीं चाहिए, और बकेट भी मुझे ना पकड़ने में बहुत तकलीफ होती है, मुझसे नहीं पकड़ जाता, मैं सोचती हूँ हाथ में ही ले लूँ सामान, लेकिन फिर जब थोड़ा ज़्यादा होने लगता है ना तो मैं सोचती हूँ यार ले ही लेती बकेट, तो देखिए अभी मैं क्या करती हूँ, बकेट लेती हूँ या हाथ में पकड़ूँगी कुछ पता नहीं, चलो चलते हैं देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊँ मौसम कराची का, जो कि बिल्कुल गर्म है इस वक्त, थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा बेहतर। हाँ जी ये तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए, जो आप कुंडी लगा लो, कुंडी लगा लो बेटा, हाँ सुनाए, मैगी मैगी नहीं ला रही मैं, नहीं फिर तुम खाना वाना नहीं खाती, मैगी 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 कोई मैगी नहीं लाने वाली, एक नहीं मिलती वहाँ, एक नहीं मिलती ये मैगी पे जिंदा है मेरी लड़की, मैगी या नसीब सब जानते सभी जानते। ये बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता है हमारा इम्तियाज, यहाँ से कोने तक का इम्तियाज आ जाता है, मुझे सही लगता है यहाँ से कुछ भी ले लो, कोई दो चीज़ें भी हों तो ले लेते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रॉली ले लूँ, क्योंकि फिर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी अगर मैंने ट्रॉली नहीं ली, क्योंकि मैं सामान संभालूँगी कि ब्लॉगिंग कर लूँगी, चलते हैं देखते हैं, ले लेंगे ट्रॉली, दो चीज़ें रखें हो जाएगा काम। इस टाइम मौसम बेहतर हो जाता है, बात आप लोगों को तो पता ही होगा कि इम्तियाज़ जाते हो, इम्तियाज़ में बहुत शोर होता है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर का हो, मशीनों की आवाज़ वगैरह वगैरह, और रोड साइड है ना तो बाइकों की भी आवाज़ आती है, तो यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ गया। फिर यहाँ पे मम्मा आ गए ट्रॉली लेने, क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा था इसलिए उनको ट्रॉली लेनी पड़ी, और यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मम्मा को आने में भी टाइम लगा था, तो और यहाँ पे हमारे मोबाइल इसलिए नीचे रखा हुआ था क्योंकि रश बहुत था, तो कहीं लोग वगैरह आ जाएँ तो एतराज़ ना करें वो, इसलिए वो मैंने मोबाइल नीचे रखा था, तो इसलिए सिर्फ आपको ट्रॉली दिखेगी। और यहाँ पे हम आ गई यहाँ पे मम्मा आ गई थी कॉफ़ी लेने, क्योंकि मम्मा की कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, सर्दियों या गर्मियों मम्मा की कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए, और फिर यहाँ पे मम्मा कुछ चीज़ें देख रही थी जो उन्हें लेनी थी। यहाँ पे मम्मा आ गई थी भाई के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेने, क्योंकि भाई को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, और उसने बोला भी था कि मम्मा लाइएगा, वो नहीं भी बोलता तो मम्मा लाती ही लाती, क्योंकि हम मम्मा जब जाती हैं तो मम्मा लेकर ही आती हैं। तो फिर मम्मा यहाँ पर आ गई थी बिस्किट्स वगैरह लेने, क्योंकि भाई को नाश्ते में बिस्किट्स भी चाहिए होते हैं चाय के साथ, भाई दो चीज़ें बहुत शौक से खाता है, चॉकलेट्स और एक बिस्किट्स वगैरह। फिर मम्मा आ गई थी यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह लेने, देख रही थी वो कौन से लें क्या ठीक कौन से ठीक रहेंगे। फिर यहाँ पे मम्मा आ गई थी मैगी लेने,
मैंने उनको बोला था कि मैगी ले आएगा, उन्होंने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मुझे पता था कि वो लाएंगी ही लाएंगी। फिर मैं यहाँ पे मैगी वगैरह लेने लग गई थी, देख रही थी वो कौन सी लेंगी, लेकिन उनको पता है मैं चटपटाई खाती हूँ, तो उन्होंने मैगी वगैरह ली और यहाँ पे हम आ गई थी अपना वही सामान वगैरह लेने जो लेती हैं, मतलब गरम मसाले वगैरह। और यहाँ पे गरम मसाले वगैरह ले ही रही थी वो, फिर बराबर में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं, तो भी मम्मा ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पे मैं देख रही थी क्या लेना है क्या नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने उठाए थे बादाम, क्योंकि बादाम मुझे और भाई को बहुत पसंद है, तो इसलिए यहाँ पे मैं देख रही थी क्या लेना है, उन्होंने कौन सा वाला पैकेट लेना है, एक बड़ा आता है एक छोटा आता है। फिर मम्मा आगे चली गई और वगैरह और चीज़ें वगैरह लेने हैं, क्योंकि और भी तो चीज़ें लेनी है ना। फिर यहाँ पे क्रीम्स वगैरह थी और मम्मा यहाँ पे देख रही थी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और मम्मा को पिस्ते बहुत पसंद है, तो घूम फिर के पिस्ते ही लेती है, मतलब और भी चीज़ें लेंगी लेकिन उसके साथ पिस्ते तो ज़रूर ही लेंगी, वरना वो कुछ नहीं लेंगी, क्योंकि उनके पिस्ते बहुत पसंद है, उन्हें बचपन से पिस्ते बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है लेकिन इतने नहीं। फिर मम्मा यहाँ पर आ गई थी शैम्पू वगैरह लेने और कंडीशनर वगैरह, मतलब जो। फिर मम्मा आ गई थी यहाँ पर सर्फ वगैरह लेने, क्योंकि सर्फ भी मम्मा को लेना था। यहाँ पर मैं देख रही थी उन्होंने कौन सा वाला लेना है। फिर मम्मा यहाँ पर आ गए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने, वो ढूंढ रही थी पाकिस्तानी वाली, लेकिन उन्हें मजबूरन पेप्सी लेनी पड़ गई, तो उन्होंने वो पेप्सी वगैरह ली। वो देख ही रही थी कि कहीं मिल जाए, अक्सर नहीं होती है यहाँ पे वैसे। फिर मम्मा चली गई पेप्सी लेने और फिर मम्मा जा रही थी ऊपर की साइड, क्योंकि ऊपर सब्ज़ी वगैरह होती है और मम्मा को सब्ज़ी लेने वहाँ पर जाना था, और ऊपर की साइड बहुत रश होता है, मतलब ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह होती हैं तो सारी लड़कियाँ वगैरह वहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें वही चीज़ें लेनी होती हैं। तो फिर मम्मा यहाँ पर आ गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने, और उन्हें लेने थे आलू वगैरह, वो मम्मा ने पहले यहाँ पे मतलब छोटी चीज़ भी लेनी होती है तो वही यहीं आती है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल मतलब करीब पड़ता है और सही भी रहता है चीज़ें। मम्मा यहाँ पे आ गई थी आलू वगैरह लेने, उन्हें आलू लेने थे, और फिर यहाँ पे आ गई थी मम्मा हरी मिर्ची वगैरह लेने, वो देख रही थी कि उन्हें क्या लेना है, हरा धनिया हरी मिर्ची वगैरह सब यहीं मिलता है। और मम्मा को भुट्टे भी बहुत पसंद है, मम्मा जहाँ देखती हैं वहाँ पे भुट्टे पकड़ के ले आती हैं। यहाँ पे गाजर वगैरह भी मिल लेते हैं, मतलब सभी यही मिलता है हर चीज़, मतलब हर तरह की सब्ज़ी वगैरह। यहाँ पे भुट्टे आ गए थे जहाँ पे मम्मा रुक गई थी। फिर उसके बाद मम्मा यहाँ पे आ गई थी सब चीज़ें वगैरह लेने के बाद कैश काउंटर पर, जहाँ पर मम्मा बिलिंग करा रही थी, और फिर बिलिंग वगैरह कराने के बाद मम्मा निकल जाते हैं घर की तरफ। इम्तियाज़ का बाहर हो या अंदर हो, रश तो होता ही है इम्तियाज़ में, यहाँ पर भी हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। फिर मम्मा निकल गई थी यहाँ पे घर के लिए, और घर हमारा करीब ही है तो इसलिए जल्दी पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे एक छोटा गेट है जिससे और जल्दी आ जाता है घर हमारा। अपार्टमेंट में आ गए हम लोग, सब्जी लेना उठाना थोड़ी भी हो ना तो बहुत मुझे भारी लगती है, लेकिन फाइनली ले आई मैं। इंजू वगैरह कोई निकलता ही नहीं है, अकेली कहीं नहीं जाती, वो मेरे साथ ही निकलती है। बस ये है मेरा जीना, इतना सा रास्ता है हमारा और इम्तियाज़ का। अब मैं ऊपर जाऊँगी, पता नहीं जो क्या करेंगी। कह रही थी भूख लग रही है मुझे, मैगी ला के दें।
उसका खाना ही मैगी है, क्या करूँ। सीढ़ियाँ कर लो, एक तो सीढ़ी चढ़ना भी अलाव है, फिर और पापा से इतनी खतरनाक सीढ़ियों को। जाओ तुम्हें मैगी आ गई, खा लो जाके। जा रही हूँ। लाइट खोलो यार, इतना अंधेरा अंधेरा हो रहा है, काले काले लग रहे हैं। ठीक है जी दोस्तों, मैं आ गई हूँ। आलू आलू लाई हूँ, प्याज प्याज लाई हूँ थोड़ा थोड़ा, अब बनाऊँगी चाकर आलू। आलू की कटली अच्छी लगती है मुझे, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, बस वही बनाऊंगी। जी दोस्तों, आज का व्लॉग बस यहीं तक। सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर या राजपूत ऑफिशियल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। जी दोस्तों, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माय चैनल।